अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। हमने पहले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने नेचर फाइंड आउट करनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इससे रिलेटेड हम कुछ कुछ क्वेश्चन मजीद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू बन रही है mx प्लस सी, ये a प्लस बी होल का स्केयर बनता है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x स्केयर प्लस, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर इज इक्वल a स्केयर। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यूज हुआ है a प्लस बी होल का स्केयर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे m और x का स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ से ये बनेगा 2mcx प्लस c स्क्वायर। ये प्लस ए स्क्वायर है, दूसरी साइड पे आने पे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने पे ये माइनस में कन्वर्ट होगा और ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वल ज़ीरो। यहाँ से अब दोनों हमारे पास दो टर्म्स में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये बनेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ए बनेगा यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर, बी बनेगा 2mc क्योंकि ये x के साथ है, x के साथ जो वैल्यू होगी वो b होगा और यहाँ से हमारे पास c बनता है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास c और a क्वेश्चन में मौजूद है, तो यहाँ पे फिर हम a, b और c की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ इनको थोड़ा सा डिफरेंट शो करने के लिए इनके ऊपर प्राइम का साइन शो करेंगे। तो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज इनकी पुट करनी है तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज को भी हम प्राइम के साथ शो करेंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बनती है 2mc होल का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बनती है 1 प्लस एम स्क्वायर और c की वैल्यू बनेगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल ज़ीरो। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्केयर लिया 4 बनेगा 4m स्केयर c स्केयर माइनस 4। यहाँ पे हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, a को 1 को c के साथ मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा c स्केयर, 1 को माइनस a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस a स्केयर, अब m को हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा c स्केयर m स्केयर और प्लस माइनस माइनस का साइन शो होने पे a स्केयर और m स्केयर मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा a एम स्क्वायर इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ से अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे कि यहाँ से 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तमाम टर्म्स के साथ, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। हम सी स्क्वायर और एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको आपस में एम स्क्वायर या सी स्क्वायर में एक्सचेंज कर सकते हैं और यहाँ से ये बनेगा माइनस और माइनस का साइन प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का और माइनस का कट आउट होगा तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज बचती हैं वो है माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल ज़ीरो। यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा सी स्क्वायर, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे रह जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट होगा, 4 कॉमन निकला है तो यहाँ से ए स्क्वायर और एम स्क्वायर बच जाएंगे। माइनस 4 को अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे आके ये 0 के साथ डिवाइड होगा तो ये 0 ही बनेगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c स्क्वायर इज इक्वल, ये a इधर यहाँ पे माइनस का है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर।
आंसर निकला है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें ये प्रूव करना था कि इसका आंसर इक्वेशन को सोल्व करने पे सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर निकलना चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द कंडीशन डेट द रूट ऑफ द इक्वेशन एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल 0। तो यहाँ पे भी हम यही मेथड यूज करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम एम एक्स प्लस सी को सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये बनेगा एम एक्स होल का स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स सी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल 0। तो ये बनेगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अरेंज करेंगे 2mcx, ये माइनस 4ax यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, प्लस सी स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रही है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 2mc माइनस 4a और यहाँ पे ये बनेगा c स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारे पास x स्क्वायर के साथ वैल्यू a कहलाती है, a इक्वल m स्क्वायर, b इज इक्वल 2mc माइनस 4a और c हमारे पास बनता है c स्क्वायर। यहाँ पे भी क्वेश्चन में हमारे पास a और c की वैल्यूज मौजूद हैं तो इनको थोड़ा डिफरेंट शो करने के लिए a और b और c के ऊपर हम प्राइम शो करेंगे। तो अब इनका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास है 2mc माइनस 4a होल का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है m स्क्वायर, c की वैल्यू है c स्क्वायर। तो यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे पहले इसका हम स्केयर एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनता है a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इसको एक्सपेंड करने पे फॉर्मूला बनेगा 2mc होल का स्क्वायर माइनस 2, a है हमारे पास 2mc, b हमारे पास बनता है 4a प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 4m² c² इक्वल 0। तो ये बनेगा 4m² c² माइनस 4 × 8, 8 × 16 mac प्लस 16a² माइनस 4m² c² इक्वल 0। तो यहाँ पे 4m² c² पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कट होंगे तो हमारे पास बनता है माइनस 16 mac प्लस 16a का स्क्वायर इक्वल 0। इनमें से माइनस 16 a कॉमन लेंगे तो ये बनता है mc प्लस a, यहाँ पे प्लस के बजाय हम माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमने कॉमन लिया है तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट होगा और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। माइनस 16 ए जब दूसरे साइड पे जाके डिवाइड होगा तो ये 0 में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास बनता है mc माइनस ए इक्वल 0। तो ये माइनस ए दूसरी साइड पे शिफ्ट होने पे पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो यही हमारे पास रिजल्ट निकलता है क्वेश्चन का। हेंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज ए इक्वल mc। इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमें k की वैल्यू बतानी है कि ये पॉजिटिव है या x के लिए नेगेटिव बनती है। सेम इसी मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। उसमें भी हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर और a माइनस बी होल का स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा, जो हम ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, फॉर द वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू के प्लस वन बाय के एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो। और के उन्होंने कहा है कि जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मीन टू से अगर हमारे पास हम सोल्व करते हैं तो के की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं निकलनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव में हमारे पास कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन मौजूद है। यहाँ पे a हमारे पास बनता है 1, b बनेगा माइनस टू इंटू के प्लस वन बाय के और c की वैल्यू बनती है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट में हम इसको पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो। तो यहाँ पे ये हमारे पास बनता है बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पे माइनस टू के प्लस वन बाय के माइनस फोर, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 और सी की वैल्यू बनती है 4। तो ये हमारे पास आएगा, इसका स्क्वायर लेने पे माइनस का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 2 का स्क्वायर बनता है 4, तो के प्लस वन बाय के होल का स्क्वायर रह जाएगा और ये बनता है माइनस 16 इक्वल जीरो। तो यहाँ से अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये बनता है a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बनेगा k का स्क्वायर प्लस 1 बाय k स्क्वायर प्लस 2k इंटू 1 बाय k माइनस 16 इक्वल जीरो। यहाँ से ये k 1 बाय k के साथ कट होगा तो ये बनता है 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 बाय k स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 16 इक्वल जीरो। तो यहाँ से अब ये 4 हम अंदर k और तमाम जितनी भी टर्म्स हैं तीनों उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 k स्क्वायर प्लस 4 बाय के स्क्वायर। 4 ऊपर नोमिनेटर के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होने पे ये बनेगा 8 माइनस 16 इक्वल जीरो। 4 के स्क्वायर प्लस 4 बाय के स्क्वायर, ये माइनस 16 8 के साथ जब माइनस होगा तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस 8 इक्वल जीरो। इनमें से हम 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेने से ये बनता है के स्क्वायर प्लस 1 बाय के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल जीरो। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन a माइनस बी होल के स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a और b। अगर हम यहाँ पे k को कट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोबारा से हमारे पास इसी क्वेश्चन की फॉर्म में जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन मौजूद थी उसमें कन्वर्ट हुआ है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए a माइनस बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बनता है 4 इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर। हम 4 को भी अगर अंदर ऐड करेंगे तो इसके साथ ये बनेगा 2 इंटू के माइनस 1 बाय के होल का स्क्वायर इक्वल जीरो। तो यही हमारी इक्वेशन यहाँ पे मौजूद है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो k हमारे पास तमाम वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव होगा, हेंस k इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है।
नेक्स्ट मंथ 2.2 के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।